हर एक गलती से सीखिए, पर किसी गलती को दोहराइए मत। मौका मिले तो कुछ अच्छाई लोगों में फैलाइए, बुराई फैलाने में तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है। ये आज के टाइम का मतलब बोलते हैं ना, सबसे एक कड़वा जो है वो सच है कि आपको अपनी गलती से सब कुछ सीखना है, पर हर एक गलती को दोहराना नहीं है। बोलते हैं जो इंसान एक ही गलती को दो बार कहता है उसको बेवकूफ कहा जाता है। आपको पता है आगे गड्ढा है, जाकर गिर गए हो, अब दोबारा से उतनी ही स्पीड के साथ वहां पे जाके फिर से गिर जाओगे तो लोग तो बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि एक गलती को एक बार इंसान अनजाने में करता है, दूसरी बार जब होती है तो बोलते हैं जानबूझ के हुई है। अब जो जानबूझ के हुई है वो गलती नहीं हो जाती है। तो वही चीज होती है कि जब भी आपसे लाइफ में कोई गलती हो उससे दोहराइए मत, उससे कुछ सीख लीजिए और वो गलती करने की दोबारा नौबत नहीं है। और लाइफ में कभी भी आपको मौका मिले तो कुछ अच्छाई जो होती है, कुछ अच्छी बातें लोगों में फैलाइए। मुझे पता है अच्छी बातें बहुत बोरिंग लग सकती हैं, क्योंकि चुगलियां काफी इंटरेस्टिंग होती हैं, गलत बातें फैलाना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। दो लोग मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ चुगली करके हंसे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग होता है। कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें से जबरदस्ती बुराई निकाल के फिर गॉसिप करना, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कोई इंसान नॉर्मल अपना काम किए जा रहा है और उसके बारे में हम कुछ गलत अफवाहें फैलाएं, कुछ नेगेटिव बातें करें, कुछ ऐसी उल्टी सीधी बातों का इस्तेमाल करें दो चार लोगों के बीच में और किसी थर्ड पर्सन के बारे में मजाक करें, वो भी इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग चीजें सारी गलत है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें गलत है। मेरा तो मानना है कि जब कुछ लोग मिलकर किसी थर्ड इंसान के बारे में कुछ बकवास बातें कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा टाइम वेस्टेज का काम वो कर रहे होते हैं, साथ ही साथ एक नेगेटिव आपको मैसेज भी दे रहे होते हैं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिमिलरली ऐसा काम करते हैं, इट मे बी योर नेबर समथिंग लाइक दैट, तो आप समझ जाइए कि वो एक नेगेटिव वाइब्स पास करने की कोशिश कर रहे हैं। आजकल के टाइम में दुनिया इतनी मतलबी हो गई है और ऐसी ऐसी चीजें फैलाई जाती हैं लोगों के बीच में। आपको पता है यहाँ पे आज के टाइम में अच्छाई, अगर कोई एक अच्छा मैसेज हो, मुझे बताइए वो व्हाट्सएप फेसबुक पे कितना शेयर होता है, बहुत लिमिटेड। लेकिन कोई अगर गलत मैसेज हो, इसने इसका मर्डर कर दिया, वो यहाँ से जो है इतने पैसे चुरा के भाग गया, मतलब एक्स वाई जेड जितने भी नेगेटिव मैसेजेस होते हैं वो आग की तरह फैलते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज को फैलाने में ना बहुत मेहनत लगती है, तो दैट इज अ इंडिकेशन, क्योंकि सबको मसाला चाहिए, सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, और अच्छी बातें एंटरटेन नहीं करती है, इंस्पायर करती हैं। सबको इंस्पायर होना नहीं चाहता है, सबकी लाइफ इतनी बोरिंग पड़ी हुई है कि एवरीवन वांट्स एनी काइंड ऑफ मिर्च मसाला एंटरटेनमेंट, और वही चीजों को वो आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। लेकिन कुछ भी कह लो, अच्छाई का तो ऑब्वियसली मुकाबला वो एंटरटेनिंग चीजें नहीं कर सकती हैं। और मेरा मानना है कि जैसे आप खुद को ग्रूम करते हैं ना, आपकी लाइफ वैसे ही चलती है। जैसे कि आपने अगर आज से हर एक चीज में एक पॉजिटिव वाइब्स देखना शुरू किया ना, आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ बहुत ही सुकून भरी होगी। क्योंकि जो इंसान पॉजिटिव चीजों पे फोकस करता है ना, वो अनवांटेड नेगेटिव चीजों पे फोकस कर नहीं पाता, क्योंकि दुखी करने का काम जो है नेगेटिव चीजें करती हैं। जैसे कि आप अपने काम से मतलब रखिए, कोई दूसरा इंसान आपके बारे में क्या बोल रहा है आप सुन के भी क्या करेंगे, क्या उसका मुंह बंद करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, तो उसको बोलने दीजिए। लेकिन जिस दिन आपको पता चलेगा कि वो क्या बोल रहा है, शायद आपके अंदर थोड़ी देर के लिए जो है इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, शायद आपकी लाइफ का वो 1 से 2 घंटा ले लेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके बारे में सोच लोगे, क्या वो ऐसा डिजर्व करता है, क्या वो इतना डिजर्विंग पर्सन है कि आप अपनी लाइफ का उसको 1 से 2 घंटा दे दो कि आप उसके ऊपर सोचो, अपना दिमाग खराब करो। नो, इतना डिजर्विंग नहीं है वो, और इतना ही डिजर्विंग होता तो कहीं और कुछ काम कर रहा होता, आपकी बैठ के बुराई नहीं कर रहा होता। तो यही चीजें होती हैं कि बुराई फैलने में ना वक्त नहीं लगता है, और बुराई बड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। आज मैं किसी के लिए यहाँ पे एक विवादित बयान दे दूं, ठीक है, किसी के लिए कह दूं यस दिस और दैट पर्सन इज वेरी बैड, आग की तरह ये खबर जो है हर जगह पे फैलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आज ही मैं अगर ये कह दूं कि नहीं यार, ये जो है ये स्टूडेंट ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, आप तक ही रहेगी, कहीं नहीं फैलने वाली ये बात, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। क्योंकि लोगों को मिर्च मसाले के लिए लोग ना मरे पड़े हैं, उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको कभी भी अच्छाई एंटरटेन नहीं करती है, वो आपको स्माइल करवाती है, वो आपको इंस्पायर करवाती है, वो आपको पॉजिटिवली बूस्ट करती है। लेकिन बुराई बहुत से लोगों को एंटरटेन कर सकती है, तो इस बात का हमेशा याद रखिए, जब भी मौका मिले कम से कम कुछ तो अच्छाई जो है लोगों में फैलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज आप कैसे चलते हैं ये आपकी कल की लाइफ को बताएगा, ठीक है। एक छोटा सा स्टोरी मैं शेयर करना चाहूंगी, आज से लगभग 4 साल पहले, ओके, आई वॉज हैविंग अ ऑप्शन व्हाट आई वांट, तो ऐसा मेरा पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल था, 4 से 5 साल पहले की बात करी हूं, कि मेरे पास 2 ऑप्शन था,
either to get jealous with everyone because everyone was in competition, or either to focus on myself and just see the negative side. ठीक है, आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट इन माई कॉलेज टाइम, और मुझे जब मेरे से अच्छा नंबर कोई लाता था ना, तो मुझे लगता था कि यार ऐसा क्या कर दिया उसने, ठीक है, ऐसा क्या कर दिया उसने कि इतना अच्छा नंबर आ गया उसका. तो पहले तो मैंने उसको एक नेगेटिव फॉर्म में लिया, और एक बोलते ना अनवांटेड कॉम्पिटिशन दिमाग में रख लेती थी. लेकिन मैंने जब इस बात का ध्यान दिया कि यार मैं उसके नंबर तो उससे छीन नहीं सकती हूँ, ठीक है, ना ही मैं उसका दिमाग उससे छीन सकती हूँ, ना ही मैं उसके सोचने की कैपेबिलिटी उससे छीन सकती हूँ, तो मैं और क्या कर सकती हूँ. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उस इंसान से सीख सकती हूँ. वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा आप कह सकते हो एक मोड था, जिस टाइम मैंने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को जगह दी थी. आपको मैंने खुद बताया, मतलब ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सी चीजें चलती थी. और आज से तो 5 साल पहले की बात करूँ, जब इमेच्योरिटी भी बहुत ज्यादा थी बिहेवियर में, ठीक है, आपको भी पता है इमेच्योरिटी से हम भरे रहते हैं कॉलेज लाइफ में जब रहते हैं. लेकिन उस टाइम पे मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो है एक पॉजिटिव टर्न लिया, कि जो इंसान मतलब, क्योंकि मैं उस इंसान को देखती थी कि वो कम पढ़ता है, बहुत कुछ चीजें जो है एकदम मतलब नॉर्मल करता है, लेकिन उसकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो रही थी. तो मुझे लगा कि मुझे उससे पहले मुझे उससे जेलसी फील हुई, लेकिन बाद में लगा कि ये जेलसी मेरा कुछ फायदा नहीं करेगी. शायद मुझे यहाँ पे जेलसी होने की जरूरत, जेलसी को जगह देने की जरूरत नहीं है, शायद मुझे यहाँ पे लर्न करने की जरूरत है. तो जब मैं उस इंसान पे मैंने ये कहा कि हाउ डू यू डील विद दिस, तुमको तो हम पढ़ते हुए भी ज्यादा नहीं देखते, देन उसने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर किया, इट वॉज क्वाइट गुड, क्वाइट इंटरेस्टिंग. तो उस दिन मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम सीख मिली कि कोई चीज अगर आपको अपने से अच्छी दिखे ना, उसको उसको जलन की भावना से देखने से बेटर होता है उसको सीख की भावना से देखो. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम टिल नाउ, मुझे बेटर कोई भी चीज दिखती है ना, पहला मैंने एक अच्छी आदत गेन किया कि मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ. ऑलवेज अप्रिशिएट द गुड थिंग्स, वो सामने वाले को भी खुश करता है और आपको भी खुश करेगा. आप ट्राई कीजिएगा लाइफ में, आई ऑलवेज अप्रिशिएट गुड थिंग्स, मुझे जो अच्छा लगता है मैं सबको अप्रिशिएट करती हूँ. अब चाहे वो अच्छी चीजें मेरे दुश्मन में ही क्यों ना प्रेजेंट हो, लेकिन अगर वो अच्छी है मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स भरती है कि आई हैव अ दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव ऑरा, कि मैं अपने से मेरे दुश्मन का भी मैं तारीफ कर सकती हूँ, जो कि एक बहुत बोलते ना एक बहुत बड़ी बात होती है. नॉर्मली लोग अपने दुश्मन की बुराई करते हैं, ठीक है वो मुझे अच्छा नहीं लगता शायद इसलिए मेरा दुश्मन हो सकता है, या फिर दुश्मन बोला सही नहीं होगा, ये बोल सकता हूँ कि मैं उसको कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ. ऑन अ नॉर्मल बेसिस आई डोंट लाइक दैट पर्सन टू दैट एक्सटेंट जितना कि मैं अपने बाकी दोस्तों को पसंद करती हूँ. लेकिन अगर उसमें कुछ अच्छा ही दिखेगी तो मैं उसकी तारीफ करूंगी कि यस आपने यहाँ बहुत अच्छा किया, इट इज क्वाइट अप्रिशिएबल. तो कभी भी मौका मिले अप्रिशिएट कीजिए, कुछ अपने ऐसे भी काम कीजिए जिससे कि आपको अप्रिसिएशन मिले. लेकिन कोई आपसे बेस्ट आए आपके सामने तो उससे जेलसी फील करने के बजाय सीखिए. आई कंप्लीटली एग्री, जेलसी इज द ह्यूमन बिहेवियर, आप इससे मतलब भाग नहीं सकते. यहाँ पे सबको पता है थ्री इडियट्स का फेमस डायलॉग याद होगा आपको, ठीक है, दोस्त फेल हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो और ज्यादा बुरा लगता है. तो दैट वॉज अ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, वहां पे जो है थ्री इडियट्स ने ये पहली बार इनकाउंटर किया था कि ऐसा कुछ होता है, बट दिस इज द रियालिटी. लेकिन ये रियलिटी है, लेकिन बोलते हैं ना कि आप इस रियलिटी को अपनी लाइफ में कैसे रखना चाहते हो. मैं इस रियलिटी को अपनी लाइफ में बदल चुकी हूँ. आज भी मुझसे, जैसे मैंने कहा, मुझसे बेटर कोई इंसान मिलता है, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न विथ हिम और हर रेदर देन गेटिंग जेलस फ्रॉम दैट पर्सन. तो इस चीज पे जो है मैं, वो कहते हैं ना, अपना कंट्रोल बना चुकी हूँ. एंड बिलीव में बहुत मुश्किल हुआ एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर जिसमें कि आपको जेलसी फील करना चाहिए किसी से, उसमें आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखकर स्माइल कर रहे हो, खुश हो रहे हो कि यस उस इंसान को उसकी मेहनत के अनुसार फल मिला. यहां तक ये थॉट प्रोसेस तक आने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से बोलते ना कुछ एक्सेप्शनल की तरफ थोड़ा बहुत जाना पड़ा है. लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. एंड बिलीव मी, जेलसी आपको परेशान करती है, लेकिन जब आप उस बिहेवियर को ओवरकम कर जाते हो ना, तो वो आपको सुकून में रखती है. आज मुझसे कोई आगे निकले तो मैं उसको देख के जेलस होंगी ना, तो मैं अपनी सुकून गवा दूंगी. लेकिन मैं अपने अंदर वो एटीट्यूड डेवलप कर चुकी हूँ कि मुझे मुझसे बेटर देख के मुझे कभी जेलस नहीं होना है. मुझे उसे अप्रिशिएट कर सकती हूँ, मैं उसकी मतलब जो भी वो काम कर रहा है या कर रही है उसके लिए मैं खुश हो सकती हूँ.
तो वो जो एटीट्यूड जब से मैंने अपनाया ना, मेरी लाइफ में बोलते हैं ना एक इनसिक्योरिटी वाला जो चीज है वो 60-70% तक रिड्यूस हो गया। वरना हम करते क्या है, बगल वाली आंटी का बेटा फर्स्ट आ गया, ले भाई तुम भले ही तुम्हारा 95% ही क्यों ना हो, लेकिन उसका 96 आ गया, ले हो गया इनसिक्योर। क्यों? आपने क्या अपना बेस्ट नहीं दिया? अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। तो पहली बात, अपना कंपैरिजन दूसरों से मत कीजिए, आपसे कुछ अच्छी चीज देखिए, अप्रिशिएट कीजिए। और आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ कि ये एटीट्यूड कैसे आया। जब मेरा मन नहीं भी होता था ना, लेकिन मुझे पता है कि सामने वाला इंसान अच्छा किया है, तो मैं उसे अप्रिशिएट करती थी, बिना मन के भी अप्रिशिएट करती थी। और मुझे पता नहीं चला कि कब इस अप्रिशिएशन को मैंने अपने बिहेवियर में ढाल लिया है, और आज मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ। क्योंकि मुझे बस यही पता था कि जो चीज के लिए मेरा, बोलते ना हमारे अंदर ही दो फीलिंग होती है, फाइट कर रहे होते हैं। एक कहता है नहीं भाई, सामने वाला जो है तेरा कॉम्पिटिटर है, तू उसको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर सकती है। और एक माइंड का एक साइड कह रहा होता है नहीं, यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन बिकॉज ही और शी इज अ डिजर्विंग पर्सन, उसने मेहनत की है इस पोजिशन पे पहुंचने के लिए। ये जो दो थॉट्स दिमाग में घूम रहे होते हैं ना, फाइट कर रहे होते हैं, आपकी मर्जी होती है आपको किसको जीतने देना है। मेरा एक साइड कहता था कि नो यू शुड नॉट कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन बिकॉज ही और शी इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ योर्स, और दूसरा कहता था यू शुड बिकॉज हार्डवर्क ऑलवेज डिजर्व अप्रिसिएशन, चाहे वो हार्डवर्क कोई भी कर रहा हो। सो मैंने अपने दूसरे साइड को जीतने दिया कि यस आई शुड अप्रिशिएट। शायद उस टाइम पे मेरा सिर्फ 30% इनर मी रेडी होता था सामने वाले को अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन मैं करती थी। और आज के टाइम में ऐसा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कौन मेरा कॉम्पिटिटर है, कौन मुझसे कैसा क्या कर रहा है। अगर वो अच्छा कर रहा है मैं उसकी तारीफ करती हूँ, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो समहाउ मेरी लाइफ में जो पीस है तब से ज्यादा बढ़ गई है जब से मैंने अपने देखने का नजरिया कुछ इस तरीके से बदल लिया है। इसलिए पहले के मुकाबले थोड़ा सा कम इनसिक्योर रहती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, और अच्छे से लाइफ को लीड करने की कोशिश में लगी रहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी जो है ये जो सेशन है जो हमने रखा है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिली होगी। एज आई हैव इन्फॉर्म, दिस वॉज जस्ट अ पॉजिटिव अप्रोच, बिकॉज मुझे पता है पॉजिटिव अप्रोच फैलाने के लिए जो है हर कोई आपको नहीं मिलेगा, गिने चुने लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं हर हाल में चाहती हूँ कि आप जो है एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ लाइफ में बढ़े। बताया कि जेलेसी और कुछ नहीं करवाती है, आपको अपनी ही नजरों में थोड़ा गिरा देती है कि आप उससे कम हो। लेकिन ये एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप में से बहुत से लोग हों जो कि मेरी तरह अपनी जेलेसी पर कंट्रोल कर ले। जेलेसी इज वन ऑफ द रीजन आज के टाइम में जो कि आपको इनसिक्योर करती है। दूसरे वाले के पास जो है आपसे पहले गाड़ी आ गई, उसके पास आपसे पहले घर आ गया, उसके पास आपसे बेटर वर्जन का लैपटॉप आ गया, वो जो है आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं हल्का फुल्का जेलेसी को इकट्ठा कर करके बहुत बड़ा कर देती है। बट हमेशा याद रखना है कि सबका समय अपना अपना चलता है। आज शायद उसने इतनी मेहनत की है कि वो सब कुछ ले पा रहा है, आपका भी वक्त आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें वैरी करती हैं, सबको अपने काम, अपनी मेहनत और अपने अर्निंग के अनुसार वो अपने सपने को पूरा करता है। जैसे कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि आज के टाइम में बहुत से मतलब यू नो अपना फ्लैट ले चुके हैं, अपना फोर व्हीलर ले चुके हैं, बहुत सिर्फ अपनी कमाई पे ले चुके हैं, हमने नहीं लिया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको उनकी लाइफ से मैं खुद की लाइफ को कंपेयर करना शुरू कर दूं। भाई उनका वो था बैटल था, उन्होंने अपने बैटल में बहुत फाइट किया होगा, इसलिए आज वो इतना अर्न कर रहे हैं कि वो ये सब चीजें सब ले चुके हैं। हमारा भी बैटल जारी है लेकिन थोड़ा स्लो जा रही है, क्योंकि सब अलग अलग फील्ड में है, सबने अलग अलग पढ़ाई की है, सब लोग अलग अलग तरीके के मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं। कोई जो है 12 घंटे काम कर रहा है, कोई जो है 4 घंटे काम कर रहा है, दोनों कैसे एक साथ हो जाएगा, या दोनों एक जैसा कैसे हो जाएगा। तो इस बात को समझिए कि सबका पाथ अलग है, सबका चैलेंज अलग है, चलने का रास्ता अलग है, एम सभी का एक ही है, सुकून वाली जिंदगी, लेकिन अलग अलग पाथ से होकर जाना जाना है, ठीक है।